हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू गेम एक्स प्रो। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि गन कॉम्बिनेशन पे वीडियो बनाया जाए, तो फाइनली मैंने आज ये वीडियो बनाने की सोची है गन कॉम्बिनेशन पे। सो आज की अगर आप ये वीडियो देख लेते हो गन कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो आप उसके बाद यूट्यूब पर कभी भी गन कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और डेफिनेटली आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगने वाली है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ गन कॉम्बिनेशन और अटैचमेंट्स के बारे में, जो कि आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे लगेंगे। और गाइस, अगर बीच में कहीं पर भी आपको ये वीडियो अच्छी लग जाए तो जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा डेफिनेटली वीडियो के अंदर। एक अब बात करते हैं गाइस गन कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आप गाइस हर अलग अलग लोगों से पूछोगे गन कॉम्बिनेशन के बारे में, तो सबका अलग अलग जवाब मिलेगा, बिकॉज सबकी पसंद जो है अलग अलग होती है और आप किसी को भी एक सेम गन कॉम्बिनेशन के साथ जाने के लिए नहीं बोल सकते। यहाँ पे पबजी के अंदर अगर बात की जाए तो सभी गन एक से बढ़कर एक हैं। अगर किसी गन में एक अच्छी बात है तो दूसरी बुरी बात भी है। मान लीजिए यहाँ पे AKM है जिसका डैमेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसका रिकॉयल भी सबसे ज़्यादा होता है। और वहीं अगर आप स्कारल की बात करें तो स्कारल जो है सुपर स्टेबल होती है गाइज, लेकिन इसका डैमेज जो इतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर ये मात खा जाती है। तो हर गन की एक अपनी अच्छाई है और एक अपनी बुराई है। लेकिन आज की वीडियो जिस चीज़ में मैंने बनाई है गाइज, वो इन चीज़ों से हटके है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, डेफिनेटली आपको अच्छे लगेंगे और आपको हर बार उन टिप्स को फॉलो करना है। अगर गाइज आप उन टिप्स को फॉलो करते हो तो आप एक बेस्ट गन कॉम्बिनेशन बना सकते हो किसी भी मैच के अंदर। पहला टिप ये है गाइज कि अगर आप एक क्लोज रेंज प्लेयर हैं और बार बार आप अगर क्लोज रेंज बैटल में फंसते हैं, तो आपको डेफिनेटली AKM के साथ जाना चाहिए, क्योंकि AKM का जो डैमेज है वो किसी भी असॉल्ट राइफल से सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो AKM सबसे बेस्ट है, तो आपको क्लोज रेंज अगर आप खेलते हो तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली AKM को चूज़ करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि M24 वर्सेस Kar98 कौन सी बेस्ट है दोनों में से, तो डेफिनेटली यार M24 बेस्ट है। पहले ये ड्रॉप में मिलती थी, लेकिन अब ये हर जगह मिलने लगी है मैप के अंदर। ऊपर से ये वन शॉट किल भी करती है। इसका जो सप्रेस साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है गाइज, और इसका एमओ भी जो है इनफ है, और रिलोडिंग टाइम भी बहुत कम है Kar98 के मुकाबले। और अगर डैमेज की बात की जाए तो डैमेज भी इसका Kar98 से ज़्यादा है, तो गाइज ये ऑब्वियसली Kar98 से काफ़ी बेस्ट है। तीसरा, अगर अपन अटैचमेंट्स की बात करें तो गाइज़ लूटते समय अपन को कभी ना कभी जो है AR सप्रेसर जरूर मिला होगा, और अपन सबसे पहले क्या करते हैं, उसे AKM, M4, स्कारल या कोई भी अपने पास गन होती है, असॉल्ट राइफल होती है, उसके अंदर उसे लगा लेते हैं, जो कि अपन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइज़ ये अपना रिकॉइल जो है बहुत बढ़ा देती है, जो कि सही नहीं होता है। सप्रेसर की जगह गाइज़ अपन लोगों को जो है फ्लैश हाइडर और कंपनसेटर का यूज़ करना चाहिए किसी भी असॉल्ट राइफल पर, चाहे वो AKM हो, M4 हो या स्कारल हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि सुपर स्टेबल गन कौन सी है पबजी के अंदर। अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मेरे एक्सपीरियंस से सुपर स्टेबल गन निकली है गाइज, वो है स्कारल, क्योंकि स्कारल के अंदर अगर आप कंपनसेटर लगा देते हो तो गाइज ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। ये M4 से भी कई गुना ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर आप स्टेबिलिटी के साथ जाना चाहते हो तो आप हमेशा स्कारल को उठाएं। पांचवा है कि M4 वर्सेस AKM में से कोई एक गन अगर अपन लोग को उठाने का मौका मिले तो कौन सी अपन लोग को जो है पिक करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको गाइज AKM पिक करनी चाहिए, बिकॉज इसका मैंने ऊपर आपको आंसर ऑलरेडी दे दिया है कि ये बीस्ट है गाइज क्लोज रेंज के अंदर। अगर आपको किसी को भी किल करना है तो आप AKM के साथ जा सकते हो। मानते हैं कि M4 का जो फायर रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना मैटर करता है डैमेज के सामने। छेवा टिप है गाइज, अगर आप AKM के साथ 200 मीटर के अंदर किसी को किल करना चाहते हो, या अगर कोई एनमी आपका रन कर रहा है अगर आप उसे किल करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे जो है 2x एंड सिंगल शॉट का यूज़ करना चाहिए, सिंगल टैप का यूज़ करना चाहिए। इससे आपका रिकॉल जो है बिल्कुल कम हो जाता है AKM के अंदर, और जो सामने वाला आदमी रन कर रहा है उस पर डैमेज जो है बहुत ज़्यादा पहुँचता है। सातवां है गाइज, स्कारल वर्सेस M4 में से अगर आपको कोई एक गन पिक करने का मौका मिले तो कौन सी करनी चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे गाइज आपको M4 जो है पिक करनी चाहिए, क्योंकि इसका फायर रेट जो है बहुत ज़्यादा है। आठवां टिप है गाइज, कंपनसेटर वर्सेस सप्रेसर में से लास्ट सर्कल में कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों साफ साफ है, आपको सप्रेसर लास्ट सर्कल में यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप सप्रेसर लास्ट सर्कल में यूज़ करते हो तो ये आपकी आवाज़ को जो है सप्रेस कर देता है, गन शॉट को जो है सप्रेस कर देता है, जिससे सामने वाले को जो है अंदाज़ा लगाना मुश्किल पड़ जाता है कि एनमीज की लोकेशन एक्चुअल में कहाँ पर है। और अगर अपन सेम कंपनसेटर वर्सेस सप्रेसर की बात करें स्टार्टिंग मैच के अंदर, तो आपको डेफिनेटली कंपनसेटर के अंदर जाना चाहिए गाइस, क्योंकि कंपनसेटर जो है आपकी गन को सुपर स्टेबल बना देता है और रिकॉइल को जो है बहुत ज़्यादा कम कर देता है। दसवां टिप है गाइस, रेड डॉट वर्सेस 2x में से कौन सा आपको मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे बात सीधी सीधी है गाइस, अगर आप रेड डॉट यूज़ करते हो तो मोर एरिया आपको कवर करने को मिलता है, और आपकी जो स्टेबिलिटी है वो कहीं नहीं जाती है, और रिकॉइल तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर आप 2x यूज़ करते हो तो इससे आपका थोड़ा सा रिकॉइल जरूर बढ़ जाता है, लेकिन आपको जो है मैक्सिमम एरिया आपका साफ हो जाता है, आपको 2x जूम मिल जाता है, जिससे आप जो है अपने एनमी को ईजी से टारगेट कर सकते हो। ग्यारहवां टिप है गाइज, SKS वर्सेस मिनी।
आप दोनों में से गाइस कोई भी उठा सकते हो क्योंकि दोनों अच्छे स्नाइपर हैं। अगर आप स्टेबिलिटी के साथ जाना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली मिनी उठानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुपर स्टेबल गन है और इसका रिकॉइल इतना ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर बात की जाए SKS की तो ये इसका डैमेज जो है हायर है। आप अगर डैमेज के साथ जाना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली SKS प्लस सप्रेसर यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसका डैमेज जो है काफ़ी अच्छा है अगर आप इसे कंपेयर करते हो मिनी 14 के साथ। 12 है गाइस यूजी वर्सेस UMP, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली UMP के साथ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको मोर बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको स्कोप अटैच करने का मौका मिलता है, यहाँ पे आपकी बुलेट की जो एक्सटेंडेड लिमिट है वो भी 40 हो जाती है और इसका डैमेज भी जो है अच्छा खासा है यूजी के मुकाबले, तो आपको डेफिनेटली UMP के साथ जो है यहाँ पे जाना चाहिए। और गाइस क्लोज रेंज में UMP से अच्छी SMG जो है कोई नहीं है। 13 है गाइस टॉमी वर्सेस वेक्टर में से कौन सी चूज़ करनी चाहिए अगर आपको मौका मिले उठाने का, तो डेफिनेटली आपको गाइस यहाँ पे टॉमी चूज़ करनी चाहिए क्योंकि अगर आप इसमें एक्सटेंडेड मैग लगा देते हो तो यहाँ पे इसकी लिमिट जो है 50 की हो जाती है जिससे आप किसी भी की स्क्वाड को भी उड़ा सकते हो पूरी की पूरी, और इसका डैमेज भी जो है वेक्टर से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे बात करें वेक्टर के फायर रेट की तो वो भले ही ज़्यादा है लेकिन बुलेट्स हमें सिर्फ 13 मिलती हैं और जिसको आप एक्सटेंडेड मैग लगा के सिर्फ 25 तक इंक्रीज़ कर सकते हो जो कि इतनी बेनिफिटेबल नहीं होती, लेकिन अगर आप क्लोज रेंज में हो तो टॉमी आपके पास है तो आप बिना एक्सटेंडेड मैग के भी 30 गोलियाँ जो है चला सकते हो जो कि बहुत अच्छी बात है और इसका डैमेज भी जो है काफ़ी बढ़िया है वेक्टर के मुकाबले। 14वां टिप है गाइस सप्रेसर वर्सेस कंपनसेटर फॉर SMG के लिए सप्रेसर वर्सेस कंपनसेटर में से कौन सा बेस्ट होगा, तो मोस्टली लोग जो है यहाँ पे 90% ऑफ गाइस जो है यहाँ पे सप्रेसर का यूज़ करते हैं क्योंकि ऐसे भी SMG बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और जो लोग करते हैं तो वो भी उस पर जो है सप्रेसर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सेम बात है गाइस, अगर आप यहाँ पे कंपनसेटर लगाते हो SMG के ऊपर तो SMG एक तो ऊपर से पहले से स्टेबल होती है, ऊपर से आप इसमें जो है कंपनसेटर लगाओगे तो ये सुपर स्टेबल बन जाती है, लेकिन अगर आप छुप छुप के एनिमीज को किल करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आप सप्रेसर का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज जो आपको डेफिनेटली कंपनसेटर के साथ जाना चाहिए SMG में भी। 15वां टिप है गाइस स्मोक वर्सेस ग्रेनेड, तो आपको स्मोक और ग्रेनेड दोनों ही लेने चाहिए गाइस, आपको ऑलमोस्ट 3 स्मोक और 2 ग्रेनेड हर मैच में आपको लेने चाहिए। यहाँ पे गाइस ग्रेनेड बहुत काम आने वाली चीज़ है, अगर आपके एनिमीज है घर के अंदर छुपे हुए हैं तो वहाँ पे आप ग्रेनेड फेंक के उन्हें वहीं पे ही किल कर सकते हो, और स्मोक जो है आपको हेल्प करेंगे ड्रॉप को हंट करने के लिए लास्ट सर्कल में, और अगर आपका टीममेट ओपन फील्ड के अंदर नॉक्ड आउट हो रखा है और आपको उसको रिवाइव करना है तो वहाँ पे भी आप जो है स्मोक्स का यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत बढ़िया बात है। 16वां टिप है गाइस QBZ वर्सेस M4 में से कौन सी लेनी चाहिए खासकर शैनोक के अंदर, तो डेफिनेटली यार M4 यहाँ पे हर तरीके से विन करती है बिकॉज इसका फायर रेट भी बहुत ज़्यादा है, फास्ट रिलोडिंग है, और यहाँ पे अगर मैं QBZ की बात करूँ तो गाइस इसका रिलोडिंग टाइम भी जो है लगभग 3 सेकंड का होता है, 2.5 से 3 सेकंड का, और इसका जो फायर रेट है वो भी काफ़ी स्लो होता है, तो अगर आपको कोई AKM से भी किल करेगा तो वो भी आपको किल कर देगा जब तक आप उसे QBZ से किल करोगे, तो डेफिनेटली आपको M4 के साथ जाना चाहिए, यहाँ पे इसका फायर रेट ज़्यादा है और फास्ट रिलोडिंग है तो आप यहाँ पे जो है अपनी गन को बार बार रिलोड भी कर सकते हो जो कि सबसे बढ़िया रहेगा। 17वां टिप है गाइस 3x वर्सेस 2x में से कौन सा आपको मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर बात की जाए गाइस सबसे पहले 3x की तो ये आपको मोर व्यू देता है 2x के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे इसको आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए उन जगहों पे जहाँ पे आप AKM यूज़ कर रहे हो या M4 स्कारल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि एक तो वैसे AKM का जो रिकॉइल है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से अगर आप इस पर 3x लगा के किसी पर फायर करते हो तो डेफिनेटली यार उसका रिकॉइल जो है और भी ज़्यादा बढ़ेगा 3x लगाने से, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली रेड डॉट या फिर 2x का यूज़ करना चाहिए। अगर आप 3x का यूज़ करना चाहते हो तो आपको SKS या मिनी जैसी गन्स में इसका जो है यूज़ करना चाहिए। तो ये थी गाइस कुछ बातें जो कि गन्स के बारे में थी जो कि नॉर्मली मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है, इन सब में सबसे बढ़िया चीज़ आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और गाइस जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और गाइस अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो मैं कमेंट में आपका वेट करूँगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।